व्लॉग मेरी डेडिकेटेड है मेरी जर्नी नैनीताल में, जो मैंने लखनऊ से तय की थी। और ये हम लोग काठीधाम पहुँच गए थे, लास्ट स्टेशन काठीधाम है नैनीताल के लिए। वहाँ से फिर आपको कोई सी या तो आप पब्लिक कन्वेंस में भी जा सकते हैं या तो प्राइवेट व्हीकल्स स्टेशन के बाद बहुत सारी मिल जाती हैं, बट आपको बहुत देख के चूज करना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक न्यू टाउन में आप जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा और थोड़ा रेट के अकॉर्डिंग भी सेट करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग कैसे क्रिस क्रॉस रोड से जा रहे हैं, पूरा रास्ता मतलब माउंटेंस ही माउंटेंस हैं और माउंटेंस आर कवर्ड विद क्लाउड्स। लोगों को नौदिया फील हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब वेवी रास्ता है, बहुत घूम घूम के है और अप एंड डाउन भी हो जा रहा है कहीं कहीं पर, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से मेडिसिन वगैरह तो इंस्टॉल खा के देना पड़ेगा कोई कोई लोग को। और ये देखिए हम लोग नैनी लेक के पास पहुँच गए हैं, बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, कभी कुछ नहीं पता चलता है। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा ड्रेस रखना पड़ेगा। और यहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है आफ्टरनून में थोड़ा सा गर्म हो बट शाम में और रात में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, किसी भी वेदर में आप जाइए, कोई सा भी सीज़न हो। तो मैं सितंबर में गई थी, स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, फोर सितंबर। और ये हम लोग रात में ही जहाँ होटल लिया था उसी के पास, मॉल रोड के पास। ये पूरा मॉल रोड का व्यू है रात का, बहुत ही अमेजिंग व्यू था, बहुत अच्छा लगा था। ये वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल थे, तो ये हॉट कॉफ़ी चॉकलेट हम लोगों ने लिया था। ये वॉक करते हुए बहुत ही मतलब रात में बहुत अच्छा लगता है वैसे, और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और वहाँ पे छोटे छोटे मोमोज भी थे, कॉफ़ी थी, ये सब था। ये हम लोग वॉक करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे।
चौक रेस्टोरेंट का नाम था, और ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये एंट्रेंस से मैं जा रही हूँ और ये पूरा चांदनी चौक के तरह छोटे छोटे स्टॉल टाइप्स का एम्बियंस बनाया हुआ था, एम्बियंट था उसका। और पुलिस चौकी भी थी, ये बैंक छोटा सा, ये पुलिस चौकी बनी हुई थी, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे। हरियाणा का सेकेंड डे का थर्ड डे का एक्चुअली टूर है ये। हम लोग को जो मैं बता रही थी डग्स वगैरह मिली थी वहाँ पे, साथ देखिए कितने सारे वाटर एक्टिविटीज होते हैं और सब कुछ हो रहा था, और जिप लाइनर भी होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा और ब्रिलियंट वेदर भी था और बहुत ही पीसफुल जगह है। हम लोग बुकिंग कर रहे थे, दिख रहे थे। हम लोग रुक के ड्राइवर से अपना शूट थोड़ा कर ले रहे थे, थोड़ा थोड़ा वीडियो शॉर्ट वीडियो। बहुत ही अमेजिंग व्यू था, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था नैनीताल का। और मॉल रोड पे भी बहुत अच्छा मॉल रोड पे ही आगे जा करके आपको शॉपिंग के भी एरिया, मतलब बहुत अच्छे